हेलो हेलो हेलो, क्या सीन है, क्या सीन है, क्या बताऊं, आज होली का सीन चल रहा है। और अगर आपने स्टोरी पिछली स्टोरी देखी है तो उसमें मैं, हमारा जो राजू गाइड है जिसको मैं प्यार से लकड़बग्गा कहता हूं, उसको मैंने प्लेटफॉर्म से निकाल दिया था और होली के दिन वो प्लेटफॉर्म पे लौट के आया है। और उसे लगता है कि मैं उसे पहचानूंगा नहीं, लेकिन नकली मूछ ऊछ लगा के आया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अपनों से खफा हो सकते हैं लेकिन अपनों के बगैर रह नहीं सकते, तो उसे निकाल तो दिया था लेकिन मुझे उसकी फिर भी याद आ रही थी। और मैं एक्चुअली खुश हूँ कि लकड़बग्गा लौट आया है। मैंने ये शो इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक रेलवे स्टेशन में एक मिस्ट्री होती है, एक रोमांस होता है, एक ड्रामा होता है, ये सिर्फ रेलवे स्टेशन में ही देखने को मिलता है। कितनी सारी कहानियाँ होती हैं, कितना मज़ा आता है, ये आप आवाज़ भी पीछे सुन रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं एक फैमिली की तरह रहते हैं। और अगर आप नॉर्थ में चले जाएँ, शिमला में या जहाँ भी ठंड होती है, वहाँ पर रात को एक जो एटमोसफियर होता है, बहुत मज़ा आता है। और रोमांटिक कहानियाँ तो होती हैं लेकिन ड्रामा भी बहुत होता है, भूत प्रेत भी बहुत होते हैं, सुना है सामने। तो अभी देखते हैं पीटर सनील में क्या क्या आने वाला है। एक से एक फनी कलाकार हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, हर डायलॉग में अपने अपने कमेंट मारते हैं बीच में। जी जी, ऐसा है कि देख रहे थे अभी आप, ऐसा है कि जब नहीं भी होता है तब भी कमेंट मारते हैं। तो ये एक इतने अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं और उनको सबको अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही परफेक्टली आ गए हैं। तो हम लोग कोई किसी को काटता नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे 15 एक्टर्स हैं लेकिन फिर भी कोई किसी को काटता नहीं है, किसी की लाइन नहीं काट देता बीच में। अपने हिसाब से वो लोग करते रहते हैं किस तरह से सीन को बेटर करें। और मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस सेट पर आके। बहुत मैं नहीं समझता कि मैं एक बहुत अच्छा कॉमिक एक्टर हूँ लेकिन इन लोगों के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि मैं हंसाना, लोगों को हंसाना लोगों को रुलाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप, मैं स्लैपस्टिक में बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्लैपस्टिक की ज़रूरत है। पीटर सनील की जो कहानियाँ हैं, जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो इतने फ़नी हैं कि अपने आप में वो सीन फनी बन के निकलता है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में, पहले कभी किया नहीं है। पहले शूट आउट लोखंड वाला वगैरह उस किस्म की फिल्में की है जहाँ पे शायद एक आध कॉमिक सीन कर दिया हो, लेकिन पूरी कॉमेडी पहली बार पीटर सनील में कर रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियंसेस को भी मजा आ रहा होगा। सर क्या तैयारी है कि स्टेशन मास्टर की अलग कुछ सीन को लेकर बात करें, फिल्मों से टीवी आना? फिल्मों से टीवी में आने में मुझे कोई क्या कहते हैं कुछ कोई डर नहीं था क्योंकि मैंने शुरुआत की थी टेलीविजन से। जो भी किया है वो टेलीविज़न से ही किया है, जो भी सीखा है वो टेलीविज़न से किया है। महेश भट्ट के साथ शुरुआत की थी करियर के स्वाभिमान में। तो मुझे मीडियम अलग है लेकिन परफॉर्मेंस में तो उतनी ही स्थिरता दिखानी पड़ती है, उतनी शिद्दत से काम करते हैं हम टेलीविज़न पर। मुझे लगता है कि टेलीविज़न में ज़्यादा मेहनत है, फिल्मों में तो एक दिन में एक सीन हो गया तो बहुत बड़ी बात है, या 15-15 सीन्स शूट होते हैं, 15 पेज के डायलॉग्स आपको याद करके सुबह मिलते हैं और शाम तक आपको याद करने ही पड़ते हैं कुछ भी हो जाए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर एक्टर्स। मुझे तकलीफ थोड़ी बहुत यही हो रही थी कि एक अरसे के बाद टेलीविज़न कर रहा था, इसलिए वो 12-12 घंटे जो लगातार बोलते रहना पड़ता है और अब भी बोल रहा हूँ आपके साथ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। हालाँकि बड़ा मज़ा आ रहा है, एक चैलेंज है और ये चैलेंज मैंने स्वीकार किया और कुछ 3-4 साल बाद डेली सोप कर रहा हूँ पर मजा आ रहा है। दोनों भाइयों का एक साथ से शुरू होना, एक बोली चल रही है, आपके भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि रमित और मैं एक ही वक्त पर टेलीविजन पर एक ही साथ सेम ही टाइम स्लॉट पर और वो भी सिस्टर चैनल्स पर आ रहे हैं, वो सोनी पर हैं, हम सोनी सब पर हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, खुश है कि दोनों भाइयों ने दोनों इंटरेस्टिंग शोज लिए हैं। उनका शो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं देखता हूँ, हमारे घर में दोनों ही शो रिकॉर्ड होते हैं। और क्या कहें, ये कहीं ना कहीं हमारे जो माता पिता हैं उनके सुकर्मों का नतीजा है कि आज दोनों ही अपना अपना जो छोटा सा मुकाम हासिल किया है वहाँ पे खुश हैं। सीन के दौरान कहीं ना कहीं आप मेमोरी दिमाग में रखते हैं, स्टेशन की मेमोरी कैसे की थी, बात कर रहे हैं? अभी तक ऐसा कोई खास सीन नहीं, एक एपिसोड में एक सीन आया था जहाँ पे मंत्री जी आते हैं, दिल्ली के कोई बहुत वरिष्ठ मंत्री आते हैं और मुझे वो एक सीन, मुझे लगा कि मैंने एकदम बिल्कुल किसी प्रिंसिपल वादी स्टेशन मास्टर की तरह अदा किया हो। उसके अलावा ऐसा कोई ख़ास मौका नहीं आया जब किसी स्टेशन मास्टर को मद्देनजर रखते हुए मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ी हो। ये पूरा कैरेक्टर ही जो मैंने बिल्ड किया है
जो बनाया है और इसका श्रेय जाता है अश्विनी को जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ये पूरा एक कैरेक्टर क्रिएट किया है बिगिनिंग से। तो आई थिंक मेरे जैसा स्टेशन मास्टर हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आने वाली बहुत सारे प्रोजेक्ट है लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल जो फिल्में शूट कर रहा हूँ वो एक कैलेंडर गर्ल्स करके एक फिल्म है मधुर भंडारकर की, उसमें फोटोग्राफर का रोल कर रहा हूँ, तो वो फिल्म अभी कंप्लीशन पे है। और एक और शो कर रहा हूँ जिसे मैं होस्ट कर रहा हूँ लेकिन उसके बारे में फिलहाल ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हैप्पी होली आपके सारे व्यूअर्स को। थैंक यू। मैम काफ़ी ज़ोर शोर से होली की तैयारी चल रही है लेकिन फिर भी आपकी खूबसूरती उसी तरह से बरकरार है, किस तरह से अपने आप को बचा कर रखा है? अभी थोड़ी देर में हम लोगों का मुंह पूरा रंग से होने वाला है, वो इनिशियल शॉट्स हैं जहाँ पे अभी एक्चुअली मैं पूरी भीगी हुई हूँ, वो पिचकारी विचकारी मारी है एंड ऑल दैट, तो अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो हम लोग पूरे काले पीले नीले सब हो गए होंगे। बट इट्स अ गुड फन, पूरा होली का माहौल है और बहुत मज़ा आ रहा है, सब लोग यू नो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सी बेसिकली इसमें लाइक हम लोग हमारी पूरी टीम जितने भी हम लोग सब फन तो कर ही रहे हैं साथ में, लाइक जो जिसके साथ जिसका एंगल है, लाइक मेरे साथ नवाब का थोड़ा सा यू नो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ द यू नो द सॉफ्ट कॉर्नर, तो वो है थोड़ा सा, एंड देन शताब्दी एंड राजू का थोड़ा सा कुछ कुछ कनेक्शन हम लोग यू नो बिल्डअप कर रहे हैं, एंड देन हमारी मास्टर एंड मास्टरनी का तो है ही, तो वो थोड़े थोड़े से सॉफ्ट मोमेंट रोमांटिक मोमेंट्स वो बहुत अच्छे हैं। और बाकी सब लोग पूरी प्लेटफॉर्म के जितने भी लोग हैं हम लोग सब कलर वाला कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। ज्वाला जी को किसके साथ देखेंगे रोमांस करते हुए? ज्वाला जी, हाँ ज्वाला अभी तक तो ढूंढ रही थी और उसके साथ अभी एक धोखा भी हुआ है कि जो आया था वो बेसिकली एक एक क्रिमिनल निकला और वो फिर उसको उस वो खुद ही उसको पुलिस के हवाले कर देती है, लेकिन अभी नवाब की एंट्री हुई है और नवाब अभी क्या है क्योंकि मुझे तो चोट लगी हुई है पहले से ही, तो मेरे को किसी पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो अभी मुझे धीरे धीरे यू नो कोशिश कर रहा है कि इम्प्रेस कर रहा है किसी भी तरह से, कभी मेरी चाल चल के दिखाता है कभी यू नो इन अ फनी वेज, वो मुझे ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस मी, तो लेट्स सी। रियल लाइफ में आपको होली कितनी पसंद है, किस तरह से कौन सा कलर पसंद है? होली मुझे लाल बहुत पसंद है और होली मैं बेसिकली बहुत खेलती हूँ घर में, बेसिकली मैं अपने अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली आती है, आई मीन वी एवरीबडी टुगेदर इन अ हाउस एंड देन वी गो आउट एंड देन वी इन्जॉय विद आर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, सो बट मैं रहती घर पे ही हूँ, मतलब फैमिली के साथ ही ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। अच्छा, इस बार होली खेलने के लिए किसी के साथ एक्साइटेड हैं आप, किसी को कलर लगाने के लिए कुछ बदला टाइप का? नहीं 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 बदला, ये तो प्यार मोहब्बत वाला त्यौहार है, उसमें बदले जैसा तो कुछ है नहीं, बट मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड विद टू प्ले विद एवरी वन, यहाँ पे तो हो ही गया है सेट पे, खूब प्ले किया हमने, मस्ती की है, अब फैमिली के साथ और मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह सब घर पे आएंगे, सो वी विल एंजॉय। Thank you.
लेकिन ये तुम हो।
नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं पीटरसन हिल, जो रात को 10:30 बजे सब टीवी पर आता है, सोमवार से शुक्रवार। होली, हैप्पी होली। और बताइए, कुछ पूछो यार। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा भाई, पूरे हिंदुस्तान के मेरे तरफ से होली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है होली में, बहुत अच्छा है। बलि को डालेंगे, बहुत अच्छी है। हमारे छोटी अंगा बता के मुगली डाली में गिरा दिए, कैसे हुई दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर आने की? हमने मना किया था ना तुम्हें? हमें भी यही लगता है, बार बार वही गलतियां करने की आदत है, लेकिन हम अपनी शक्ल मत दिखाना।
चले जाओ। तुम्हें क्या लगा, तुम्हें मुझे लगा कर आओगे? मैं चेंज किया जाओगे? अभी तू अपने बात कर जा, तू आ जा वापस। बैग ले जाओगे कहाँ? शिमला भाई साहब, शिमला जाएंगे। अच्छा शिमला जाओगे? क्या करोगे शिमला में? क्या करोगे? वहां की टूरिस्टों को गाइड करोगे? अरे अगर तुम शिमला के टूरिस्टों को गाइड करोगे तो यहाँ के टूरिस्टों का क्या होगा? नहीं, हम तो स्टेशन मास्टर है भाई साहब, हम स्टेशन संभालेंगे या तुम्हारे टूरिस्टों को? बेवकूफ, खुद मिलाओ, कल सुबह सुबह स्टेशन पे आ जाना, समझे कि नहीं? तुम्हें क्या है कि ये लंबी लंबी मूछे लगा के आओगे तो हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं? अरे अपने इस गधे जैसी लकड़बग्गे की शक्ल को कैसे छुपाओगे तुम? अरे क्या कर रहे? अरे भाई अब जान ले लोगे क्या हमारी? छोड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी राकेश जी का शर्ट लो। मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? अब थोड़ा सा लेफ्ट, अब राइट चले, रोल। इतना यार क्यों देख रहे हो? सर और देखना है राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सही है सर। ये कैमरा है का गाइड बनेंगे वहां के टूरिस्टों को गाइड करोगे? अरे संभवतः अगर वहां के टूरिस्ट को तुम गाइड करोगे तो तुम्हारे यहाँ के टूरिस्टों का क्या होगा? सवाल छेड़ दो। क्या कहना चाहिए भाई? हम सब होली के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हैप्पी होली। और बताइए,
अरे बहुत मस्ती की, बहुत रंग खेले, ऐसे ही रंग जो है हम हर साल यहाँ पर पीटरसन हिल में खेलते हैं। और पीटरसन हिल हालत देख ही सकते हैं, बहुत रंग 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 में है, बट हमने बहुत मजे किए, बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की हम लोग, इतना एंजॉय किया हमने तो बहुत सारी आवाजें भी निकाली रवि किशन की स्टाइल जैसे, बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा हैप्पी होली हो। हमें अपने घर पर भी खेलने में नहीं आया, ये पूरी फैमिली है और हम सब लोग साथ में जाते हैं और आज हम सब लोग साथ मिलकर होली खेल रहे हैं। देख सकते हैं आप ग्वाला जी, आइए हरी हुई आइए, ये तो अब आप सीन ये है कि जो सीन तो हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो हमारे हमारे एपिसोड का पंच खत्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि मास्टर जी बहुत नाराज थे राजू से, लेकिन फाइनली उन्होंने उसको अपना लिया है तो हम लोग बहुत खुश हैं। और आज एक नई दो लव स्टोरियां बनी है, दो लव स्टोरी आज दो नई लव स्टोरियों ने जन्म लिया है और नए अंदाज में होली के दिन होली के रंगों की तरह वो आपको बाद में पता चलेगा। और वो स्टोरी है और वो स्टोरीज क्या है ये जानने के लिए देखते रहिए पीटरसन हिल रात 10:30 बजे सब टीवी पर, मंडे टू फ्राइडे, बाय बाय, हैप्पी हैप्पी होली, हैप्पी होली, थैंक यू। बहुत अच्छे दोस्त हैं, कैमरा के पीछे भी, लेकिन कैमरा के सामने क्या प्रॉब्लम है, ये जिसका बॉस है वो मेरी लेता है, मैं उसकी लेता हूँ। आ जाओ नहीं तो मैं छोड़ूंगा मैं तुमको, नहीं नहीं आओ आओ, टिंडे गद्दार के साथ ये हो गया बात, ये डिग्री मैच देखो, जोर शॉट बिल्डअप बिल्डअप बिल्डअप, कैसे हो यहाँ आने की अपार्टमेंट में, जोर अपार्टमेंट इस्तेमाल कर लेगा, जोर शॉट किया था कि पीटर से इस बार माफी भी नहीं मांगेंगे आप, जाओगे कहाँ तुम, सुनाई नहीं दिया।